हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के बाद एक के बाद एक लगातार काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आती जा रही हैं, जहां पर अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि यूएई से आईपीएल की होस्टिंग का जो राइट है वो छिनने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई का पूरा फोकस अब इंग्लैंड की तरफ जा चुका है, जहाँ पर सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और उनके साथी जय शाह आप लोगों को जल्दी ही इंग्लैंड जाते हुए नजर आएंगे। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों इंग्लैंड को यूएई के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, इसके साथ ही कब से इंग्लैंड में आप लोगों को आईपीएल स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर आप लोग लगातार आईपीएल के रिज्यूम होने का वेट कर रहे हैं तो शायद आप लोगों ने न्यूज पोर्टल्स के ऊपर इस चीज को ध्यान दिया होगा कि सौरव गांगुली और जय शाह की साइड से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि ये दोनों ही इंग्लैंड जाएंगे, वहां पर पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में उसको देखेंगे। लेकिन ये इनका मेन काम नहीं है, वहां इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये आईपीएल की प्रिपरेशन को डिस्कस कर सके इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के साथ। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने सीसीआई को रिक्वेस्ट की थी कि वो आईपीएल वहां पर करा सकते हैं, और इसी की प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग, बायोसिक्योर बबल, प्लेयर्स की सेफ्टी, इन सभी रीजंस के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग ये दोनों वहां पर जाएंगे, जहां पर आप लोगों को बीसीसीआई की मीटिंग देखने को मिलेगी। अब गाइज, अगर बात की जाए वो तीन मेन फैक्टर्स की जिनकी वजह से इंग्लैंड आप लोग अब मान सकते हो कि हमें ऑफिशियल वेन्यू देखने को मिलेगा, तो जो सबसे पहली चीज निकल कर यहां पर आती है वो है लास्ट ईयर का लॉस। ये बात हम आपको लगातार चैनल के ऊपर बार बार जोर देकर बता रहे हैं कि यूएई में आईपीएल होने के बावजूद, वहां पर आईपीएल के सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बावजूद बीसीसीआई को काफी ज्यादा लॉस हुआ था, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, सिर्फ आधा ही रिवेन्यू बीसीसीआई जनरेट कर पाई थी। और ऐसे में वो नहीं चाहते कि इतने रिस्क लेकर अगर आईपीएल को कराया जाता है तो उनको बिल्कुल भी लॉस हो, पूरा का पूरा पैसा रिकवर करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो यहां पर निकल कर आई है वो है ऑडियंस और क्राउड को लेकर। अगर यूएई में आईपीएल होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कोई भी क्राउड नहीं हो सकता, तीन वहां पर ग्राउंड है लास्ट ईयर की तरह बिना क्राउड के होगा। और अगर बीसीसीआई को लॉस को रिकवर करना है, अगर उन्हें पैसा कमाना है तो क्राउड होना ही चाहिए। ऐसे में इंग्लैंड ने बीसीसीआई को अश्योरेंस दी है कि 60-70 हज़ार की ऑडियंस वो आसानी से पुल अप कर लेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा पैसा बीसीसीआई को मिल सकता है। आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी और इवन वर्ल्ड कप में भी देखते होंगे कि भारत के फैंस वहाँ पर इवन इंग्लैंड की टीम से भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आईपीएल को वहाँ पर आसानी से हाइप मिल जाएगी। लेकिन गाइज, एक चीज़ जो आईपीएल के इंग्लैंड में होने के खिलाफ जाती है जिससे बीसीसीआई थोड़ा सा डर सकती है, वो है यहाँ का मौसम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इवन वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था बारिश की वजह से कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पलट गए थे, तो इस चीज का बीसीसीआई को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड अब यूएई के ऊपर वेन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से यूएई या फिर इंग्लैंड में से कहां पर आईपीएल 2021 होना चाहिए। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।